दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए दे दिया कि ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, सी रेशियो डी बराबर इतना, और आपसे पूछ लिया जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना होगा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं कि जैसे आपको दिया है यहाँ ए रेशियो बी बराबर एक रेशियो दो दिया है, ए रेशियो बी बराबर एक रेशियो दो दिया है, तो आप जाने के आंसर में भी अनुपात एक रेशियो दो ही बनना चाहिए। तो एक रेशियो दो देखिए कौन बन रहा है, देखिए ये एक रेशियो दो बन रहा है, पांच एकम पांच, पांच दुनी के दस, ये एक दो एक रेशियो दो नहीं बन रहा है, ये एक रेशियो दो नहीं बन रहा है, ये एक रेशियो दो बन रहा है। अभी दो ऑप्शन में आपको संदेह है, तो आप देख लीजिए बी और सी दो तीन कहां बन रहा है, बी सी दो तीन बनना चाहिए, क्या इसको काटने पे दो तीन बनेगा बी सी को, ये दो तीन नहीं बन पाएगा, इसको काटने पे दो तीन का अनुपात बन रहा है पांच दुनी के दस पांच तिहाई पंद्रह। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई है, ऐसे ऑप्शन से हम लोग टच कर सकते हैं। अगर बी सी भी अभी सेम से मारा है तो सी डी को चेक कर लीजिए कि सी डी पांच छह कौन दे रहा है, और देखिए ये दोस्तों पांच छह नहीं दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है तीन पांच पंद्रह तीन छह अठारह। ऐसे अगर बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप सभी जवाब देंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम लोग छुटकियों